में कांग्रेस का झंडा जीत होगी। पूर्णिया की जनता की भावनाओं के अनुकूल कांग्रेस की झंडा पूर्णिया की धरती पर फहराया जाएंगे। 5 साल के अंदर बिहार में 40 के 40 सीट कांग्रेस के नेतृत्व में खड़ा हुई। सीमांचल में कांग्रेस की झंडा स्थापित करना मेरा पहला धर्म है। कांग्रेस की झंडा से ना मुझे कोई अलग कर सकता, ना मैं अलग होऊंगा। कांग्रेस की झंडा जनता ने हमारे हाथ में दे दी है। पूरा संकल्प इस देश का है राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाना। कांग्रेस के झंडा को स्थापित करने का संकल्प के साथ पूर्णिया की जनता के बीच महागठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग फाइनल हो चुकी है और पूर्णिया लोकसभा सीट राजद के कोटे में चली गई है और ऐसे में राजद के कोटे से बीमा भारती को पूर्णिया से उम्मीदवार बनाया गया है। तो दूसरी ओर पप्पू यादव अभी भी अड़े हुए हैं कि वो पूर्णिया से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि कांग्रेस का झंडा ही पूर्णिया की सीट पर रहेगा। वो आने वाले समय में 4 अप्रैल को वो नॉमिनेशन करेंगे और उसके बाद वो चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार हैं। एक और जहां राष्ट्रीय जनता दल की ओर से बीमा भारती को उम्मीदवार बनाया गया है तो दूसरी ओर पप्पू यादव भी अभी भी अड़े हुए हैं। सुनिए उन्होंने पूरी बातचीत में क्या कुछ कहा है। मेरा 5 प्रश्न, मेरा 5 उत्तर है। पहला उत्तर है सीमांचल बिहार कोसी और देश। प्रधानमंत्री मेरा संकल्प है जनता की भावनाओं के साथ खड़े रहकर राहुल गांधी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाना मेरा संकल्प है। पूरा संकल्प इस देश का है राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाना। दूसरा संकल्प है सीमांचल की जनता अपने कांग्रेस के झंडा से प्यार करती है और सीमांचल में कांग्रेस की झंडा स्थापित करना मेरा पहला धर्म है। तीसरा है हर परिस्थिति में पूर्णिया में कांग्रेस का झंडा जीत होगी। 4 तारीख को आप पूर्णिया की जनता की भावनाओं के अनुकूल कांग्रेस की झंडा पूर्णिया की धरती पर फहराया जाएंगे। कांग्रेस की झंडा ही पूर्णिया में रहेगी और कांग्रेस की झंडा स्थापित होगी। मेरे जीवन के मरने जीने का एक ही संकल्प है 5 साल के अंदर बिहार में 40 के 40 सीट कांग्रेस के नेतृत्व में खड़ा हो कांग्रेस के नेतृत्व में खड़ा। इसीलिए कांग्रेस की झंडा से ना मुझे कोई अलग कर सकता, ना मैं अलग होऊंगा। जैसे पूर्णिया के बारे में मैंने कहा था छोड़ दूंगा, पूर्णिया से अलग नहीं होगा, फिर मैं उसी को दोहरा रहा हूँ कि कांग्रेस की झंडा जनता ने हमारे हाथ में दे दी है और वो झंडा मेरे हाथ में होगी और जनता उस झंडे को 26 अप्रैल को स्थापित करेगी। अंतिम देश सामने में है, पार्टी पीछे है। देश के हित के लिए हमारे नेतृत्व ने
देश भर में एक बड़े इंडिया गठबंधन के एलाइज को लेके चलने का जो संकल्प था वह उस पर प्रतिबद्ध है। आदरणीय नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और खड़गे साहब, डी राजा की पत्नी हमारे नेता के खिलाफ खड़ी है, फिर भी देश में एनडीए इंडिया गठबंधन मजबूत है और साथ चल रही है। कई जगहों पर फ्रेंडली फाइट होने के बावजूद भी और कई जगह पर सीट पर कई दल के लोग ने अपने अपने सीट पर किसी उम्मीदवार को नहीं दिया, फिर भी गठबंधन मजबूत है। बिहार में भी इंडिया गठबंधन को मजबूत करने का निर्णय कांग्रेस का नेतृत्व का है, मैं उसका स्वागत करता हूं और पूर्णिया की धरती पर कांग्रेस के झंडा को स्थापित करने का संकल्प के साथ पूर्णिया की जनता के बीच